नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्वेस चौहान, साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट सूरत से। आज हम सेल्फ के बारे में बात करने वाले हैं। ज्यादातर जब हमको कोई पूछता है कि आप अपने बारे में बताओ, तब हम या आप सब लोग 4 से 5 पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। पर हमें किसी और के बारे में बताना हो तो शायद लंबी लिस्ट होती है हमारे पास। जाने दीजिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि कार्ल रॉजर्स सेल्फ के बारे में क्या बताते हैं। तो एक पहला सेल्फ है जहां पे सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज में उन्होंने यह बताया है कि आदमी प्लस और माइनस होता है, यानी आदमी में कुछ प्लस होता है और कुछ माइनस भी होता है। जैसे मैं अच्छा हूं, मेरा स्वभाव अच्छा है, मैं सपोर्टिव हूं, मैं केयरिंग हूं, मुझ में ये आर्ट है, पर साथ साथ मैं कहीं गुस्सा भी हो जाता हूं, मैं कभी किसी की बात नहीं सुनता। ये सेल्फ इमेज में आता है, जहां पे शायद ये दोनों बातों का मिश्रण भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आदमी प्लस और माइनस को देखता है। दूसरी उन्होंने बात बताई कि जहां पे एक आइडियल सेल्फ रहता है, जहां पे मैं हूं, मेरे जो गुण है, मेरे जो संस्कार है, जहां पे मेरी जो स्किल है, उसकी और बियॉन्ड जाके मुझे और कुछ करना है, और वो मेरे लिए आइडियल कोई भी हो सकता है, जैसे मेरे माता पिता, गुरु, महापुरुष, कोई मित्र वर्तुल, कोई भी, कि जहां पे मेरा आइडल कोई है और उसके आधार पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरा है लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी एक सेंटेंस में अगर बताना हो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 26-27 साल की थोड़ी हेल्दी बॉडी की एक लड़की है और अभी उसको शादी के लिए प्रिपेयर भी होना है, घर वाले बोलते हैं कि तुमको लड़का देखने जाना है, पर ज्यादातर लोग समाज में उसको यही बोलते हैं, तुम कितनी मोटी हो, तुमको लड़की होके ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहो। तो ये लोग क्या कहेंगे उसके बारे में ही हम सोचते हैं। और चौथा है रियल सेल्फ, जो मैं हूं वो ही मेरा सेल्फ, यानी ये बहुत कठिन और चुभने वाली बात है, क्योंकि मुझे सेल्फ में मुझे पता रहता है कि मैं कैसा हूं, मैं अल्कोहलिक हूं, मैं अच्छा बंदा हूं, मैं सपोर्टिव हूं, मैं चोर हूं, या मैं चीटर हूं, या फिर मैं और नॉलेजेबल हूं, क्या हूं, लोग मेरे बारे में जो बोलते हैं उससे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं क्या हूं उसके आधार पे फर्क पड़ता है। तो यहां पे हमने 4 सेल्फ के बारे में कैटेगरी देखी। आप भी सोचिए ये कैटेगरी में आप कहां पे आते हैं, पर यहां पे एक बार और समझ लेने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से आदमी जो भी प्रॉब्लम को देखता है, यानी वो जैसे अभी ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो लॉकडाउन की सिचुएशन में आदमी उसको कैसे देखता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करता है और उसका मीनिंग कैसे निकालता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम के लिए उसका मीनिंग कैसे निकालना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सब लोग कोरोना ग्रस्त अभी लॉकडाउन सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यानी सेफ है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग सोचेंगे मैं तो फंस गया, अभी इसका तो टीका ही नहीं है, दुनिया मरने वाली है, हम सब मर जाएंगे, ये कब तक चलेगा। तो ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आएगी आदमी में, पर मैं उसके ऊपर ही मैं उसका मीनिंग क्या निकालता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको यहां पे ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती ही रहती है, छोटी हो या बड़ी, पर उसके साथ साथ कुछ इक्वली पॉजिटिविटी भी आती है, यानी कुछ एडवांटेज भी आते हैं। जैसे कि घर पे रह के किसी ने कुकिंग सीखा होगा, किसी ने मेहंदी क्लास किए होंगे, किसी ने अपना नॉलेज बढ़ाया होगा, कोई सूर्य नमस्कार किए होंगे, किसी ने मेडिटेशन किया होगा, किसी ने महत्वपूर्ण फैमिली को टाइम दिया होगा, बहुत कुछ। और नेचर की ओर से भी देखें तो जरा देखेंगे कि हवा बहुत शुद्ध हो गई है, पानी कितना पहले से स्वच्छ हो गया है, जैसे कुदरत ने एक रिसेट बटन दबा दिया हो। तो ये पॉजिटिव आउटलुक भी बहुत जरूरी है। तो यहां पे 4 सेल्फ के बारे में जहां पे हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि आदमी पहले ऑब्जर्व करता है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करता है और फिर उसका मीनिंग देता है, पर वो मीनिंग कितना हेल्पफुल है ये खुद को आदमी को सोचना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मैं अगली बार आपको फिर से मिलूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करता हूं आपके साथ जुड़ सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं।